सोच रहा हूँ किसी कॉलेज के बाहर जाके चाय का ठेला लगाऊं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी टाइम हुआ है 2:30 और अभी लंच कर रहे हैं मैं और गोलू। सो फ्राइड राइस है, सो लंच करते हैं, उसके बाद देखते हैं आज का क्या प्लान है। कहीं बाहर जाने का प्लान होता है, दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, एकदम से मैं हो गया हूँ रेडी। अभी सो रहा था, जल्दी जल्दी उठ के रेडी हो गया क्योंकि अभी दोस्त की कॉल आई, उसने वो बुला रहा था सेक्टर 15, जो कि बहुत दिन से पेंडिंग था मिलने के लिए। सेक्टर 15 चलते हैं उसके पास और वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको। पहले निकलते हैं यहाँ से और फ़ोन को लगाता हूँ मैं हेलमेट पे, अभी दिखाता हूँ आपको। निकलते हैं पहले यहाँ से, व्यू क्या ही दिखाऊँ यार, रोड का व्यू ऐसे चलते हैं, वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ जूते ही पहन लूँ क्योंकि यार 4 बज चुके हैं, शाम होने वाली है और ठंड हो जाएगी आते वक्त, तो जूते ही पहन लेता हूँ। पहन लिया जूते पहनते हैं। तो ये जूते भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, सो जूते भी लेके आने हैं। मतलब गंदे हो गए हैं ये, इसलिए लेके नहीं आने, मतलब एक ही है। मैं भी क्या कह रहा हूँ, गंदे हो गए हैं तो जूते लेके आना। सबसे मुश्किल टास्क होता है चाबी ढूंढने का, क्योंकि चलते हैं, बाइक को करते हैं नीचे, मैं सीधा मिलता हूँ आपसे सेक्टर 15 पहुँच के। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 15, बाइक हमने यहाँ पार्क कर दी है और आज जाने का प्लान है बर्गर किंग। तो चलते हैं और आपको दिखा दो। गाइस, लेट्स गो। ऑर्डर नंबर है 167, अब वेट करना पड़ेगा ऑर्डर का। हमने यहाँ पे सीट ली है, काफ़ी मस्त भी हो रहा है। गाइस, फाइनली आ चुका है हमारा ऑर्डर। फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम, पेप्सी और बर्गर खाते हैं। सो गाइस, फिनिश हो चुका है, चलते हैं वापस घर। तो गाइस, अब टाइम हो रहा है 5:26 और अब निकलते हैं घर और घर जाके मिलते हैं। सो गाइस, मैंने एक गलती फिर से कर दी है, मैं जैकेट लाना भूल गया, फिर बैग कैरी नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने जैकेट नहीं डाला। उस टाइम इतनी ठंड थी नहीं, अब अंधेरा हो चुका है, ठंड बढ़ चुकी है, सो ठंड फिर से लग रही है। सो गाइस, यही सब लापरवाही होती है जो नहीं करना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए। ऊपर से यार फिर से कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम खा पी लिया हमने, ये सब बहुत बेकार चीज़ है यार। ठंड का टाइम है, थोड़ा केयर नहीं करोगे तो बीमार तो पड़ोगे भाई। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ, गोलू को देते हैं उसके लिए जो लेके आए थे। क्या गोलू के लिए हम एक गिफ्ट लेके आए हैं? आर यू एक्साइटेड? क्या है? सबको दिखा तो दे, ऐसा मुंह क्यों? मेन आइटम तो खा लिया, ये लेके आए। सो गाइस, हम गोलू के लेके आए हैं फ्रेंच फ्राइज। गाइस, वहाँ पे वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहे थे इसलिए मैं नहीं लाया। हाँ, बर्गर। क्या बर्गर? बर्गर नहीं, बर्गर लाए पाएगा इस, बचे ही नहीं एक ही तो प्लेट भी ना। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:55,
देखते हैं आपका क्या प्लान है। सो गाइस, मम्मी ने हमारे लिए बनाई है चाय। सो चाय नहीं है, टी। सो टी बनाई है, टी पीते हैं। सो गाइस, मैं स्टील के ग्लास में चाय पीता हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। चलो चलो चलो, सो गाइस गोल ने भी फोन अपना नीचे गिरा दिया बेड के नीचे, और नीचे भी वो बज रहा है। इतना आविष्कारी फोन। मजबूत। सो गाइस, खाना आ चुका है, अब खाना खाते हैं। दाल रोटी और सब्जियां खाने में। सो खाना खाते हैं, फिर दिखाता हूँ। सो गाइस, अब मैं ऊपर अपने रूम में आ चुका हूँ, और भाई कॉल में सो रहा था, ठीक है। उसके बाद वो छोड़, अबे वो छोड़ ना, तो काम से गया था वो। तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था चिकन खाने, ये बता ना अकेले। तो भाई मैं तेरे को इसीलिए तो बुला रहा था। कोई बात नहीं भाई, क्यों बुलाएगा। उसके बाद स्नैप भेजने का, फोन स्विच ऑफ, स्नैप कर, यही फोन वापस डाल दूंगा स्नैप। गाइस, सवित आ चुका है हमारे पास। लेकिन भाई सवित आज बहुत ही बुरी चीज करी सवित ने, ये अकेले अकेले रेस्टोरेंट गया था खाने के लिए। ओह, और एक बार स्नैप भेजने का फोन स्विच ऑफ कर लिया कि हम वहाँ पहुँचना जाए लोकेशन पे, जो कि मैं पहुँचने वाला था। मुंबई जाएगा वो टाइम गया भाई, जो जाके वहाँ चाय बर्तन धो के हीरो बन जाते थे। तो फिर तो जाएगा कहाँ, सोच रहा हूँ किसी कॉलेज के बाहर जाके चाय का ठेला लगाऊं। से क्या होगा उससे मैं अमीर बन जाऊंगा। यहाँ पे जब पढ़ाई लिखाई कराई मम्मी पापा ने, तो इंग्लिश बोल बोल के वो करूंगा ना। या यहाँ किस लिए आए? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। इंग्लिश बोल के चाय बेचेगा, मतलब कुछ नया आइडिया लेके आना जो लोग कर चुके हैं। अबे मतलब शर्मा मत कैमरे के आगे। जैसे ट्रेन में नहीं बोलते चाय गरम चाय गरम, ऐसी मैं बोलूंगा होटी होटी। दस तेरी इंग्लिश बोल बोल के चाय पीऊंगा। हेलो सर, नाइस चाय। बोले तूने क्या सोचा आगे का? क्या सोचा? चल अपना प्लान बी बता। प्लान बी ये सोचा, प्लान बी। फिर भी तूने वो नहीं देखी क्या, वो वेब सीरीज एस्पिरेंट, उसमें जो वो क्या नाम है, वो दूसरा जो उसका भैया रहता है वो बोलता है हमेशा प्लान बी होना चाहिए। लेकिन मैं उसको एक जवाब देना चाहता हूँ, प्लान बी वो सोचते हैं जो जिसका प्लान ए का भरोसा नहीं रहता। ये सब बातें ना सिर्फ डायलॉग में अच्छी लगती है। प्लान बी होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, तो बहुत जरूरी है। चल तो अपना प्लान ए बता। मुझको तो शर्म आ गई। तो गाइस, सवित काफी ज्यादा परेशान है। सवित यहाँ से जाने वाला है कहीं और कमाने के लिए, मतलब कंफर्म नहीं है कहाँ जाने वाला है, लेकिन उसी से पूछते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा मेरे को अपना, मुझे कुछ करना है इसको लाइफ में, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, इसलिए संघर्ष करने जाने वाला है कहीं पे। कहाँ जाएगा और क्या करेगा थोड़ा प्लान बताओ। मेरा प्लान तो फिलहाल ये है, मैं चाय को नौकर नहीं यार, मैं ये चाहता हूँ मैं अगर सबसे छोटा से छोटा काम भी कर रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस के साथ करूँ, जो कि मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए गाइस मुझे जाना पड़ेगा। मतलब मैं पूरा उसमें अपना दम इन द लास्ट, तू कहना चाहता है कि तू चाय बेचेगा, एमबीए चाय बेचेगा, जैसे वो कहता मुझे शर्म आती। जरूर इन्हें चाय बे को बहुत सारे ऑप्शन है, मोमोज भी सकता हूँ, बर्गर भी सकता हूँ, छोले कुलचे, छोले भटूरे। नाम क्या रखेगा? बीए भटूरे वाला, छोली दी छोला। नहीं, बीए भटूरे वाला।
सो गाइस कुछ इस तरह की बातें सोच रहा है सबित। सो इसी के साथ अब लगते हैं अब एडिटिंग पे। सब इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड और मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय। सबित बाय कर दो। बाय गाइस। झूठ काहे बोलता है? अबे बोलने जल्दी। बाय बाय।